श्रीनगर कौमी शाहरा और एयरपोर्ट पर बहाली का काम जारी है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी, क्योंकि फिजाई राबता जो है वो आज बाद दोपहर जरूर बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन नेशनल हाईवे फिलहाल 5 दिनों से बंद है, यानी 120 घंटे लगभग ऐसे हो चुके हैं जहां पर आप काजीगुंड से लेकर रामबन के बेल्ट तक और उधमपुर तक हजारों गाड़ियां हैं, और इससे वादी के अंदर मामूल की जिंदगी क्यों मुतासिर हुई है बार बार हम बता रहे हैं, क्योंकि जरूरी सप्लाई रुकी है, जो पेट्रोलियम मसनूआत है, गैस है, इसके साथ साथ राशन से भरी गाड़ियां हैं या फिर जरूरी दीगर चीजें हैं जिनमें ताजा फल और सब्जी भी वादी की तरफ जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों से ऐसे दरबांदा मुसाफिर हैं, ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो नेशनल हाईवे पर फंसे हैं। तो फिलहाल श्रीनगर से या काजीगुंड से लेकर उधमपुर तक किसी तरह की राहत की खबर अभी नहीं है, लेकिन बाद दोपहर जरूर फिजाई रब्ता बहाल होने से किसी हद तक मुसाफिरों को राहत मिलेगी, लेकिन नेशनल हाईवे का फिलहाल यह अपडेट है कि 5वें दिन भी मुसलसल बंद है, उधमपुर से रामबन तक जहां बड़ी तादाद में गाड़ियां इस वक्त भी खड़ी हैं और शदीद सर्दी के बीच ड्राइवर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर है।